हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग सारे नूं। वेलकम कर दें तो आड़ा पंजाब दे बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म गर्ल्स मेंटर उत्ते। ते मैं पंकज बंसल तो आड़ा स्पेशली आज दी तरफ तो पंकज बंसल दे द्वारा किता गया वादा आज मैंने निभाता। आज मैं तो आड़े लिए लेके आया हूँ पंजाब तो 55 क्वेश्चन। ठीक है, सारे नूं कहा सी, बिल्कुल वादा किता सीगा कि 55 क्वेश्चन आणगे। टॉपिक ने पंजाब जीके हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स बिल्कुल अज सारे जनिया का अपा लंबा लाता। एडी वड़ी क्लास होगी, बट टिके बैठे रहियो क्लास दे विच एनी इनफॉरमेशन होगी तुसी वाकई याद करोगे अज दी क्लास नूं। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग जी। प्रीति बटेजा वेरी गुड इवनिंग। मन कौर सत श्री अकाल जी। सतवीर कौर हैलो। रमनदीप कौर वेरी गुड इवनिंग जी। ठीक है, सारे जने सेशन नु स्टार्ट करन तो पहला लाइक करके आ जाओ ते अपने अपने जिन्ने भी फ्रेंड ने सारे नु बुला लो। आज दा सेशन धमाकेदार जबरदस्त होने वाला सेशन है, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त सेशन रहूगा ते सारे जने ने पार्टिसिपेट जबरदस्त तरीके दे नाल करना है। यह सेशन जेड़ा भी एक्सरसाइज की तैयारी कर रहा है, वीडियो की तैयारी कर रहा है, क्लर्क की तैयारी कर रहा है, पंजाब दे किसी भी एग्जाम एसएससी की तैयारी कर रहा है या फिर पीएस टेट वाले पोर्शन की भी तैयारी कर रहा है, सारे की ऑल ओवर मिक्स पैक होगा ये। वेरी गुड इवनिंग जसप्रीत कौर वेरी गुड इवनिंग। गुरी डोंगीवाल हैलो जी हैलो वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, सेशन नु आपा शुरुआत करन लगे हां। बिल्कुल अज दा एग्जैक्ट टाइम ते भी आ गया, आपा देखो 8 बजे सेशन नु स्टार्ट करता एग्जैक्टली। बिल्कुल गुरजंट बावरा सत श्री अकाल जी, बिल्कुल वेरी गुड। सारे जने जिन्होंने लाइक करता उन्हां दा धन्यवाद। बिल्कुल शिखा शर्मा जी हैलो। प्रवीण रानी जी हैलो। अज दा सेशन मैं तुहानू दोबारा दसदा ना, 50 तो 60 क्वेश्चन लेके आए, सारे टॉपिक तुहाडे इनक्लूडेड ने। ठीक है, अज दा सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। बिल्कुल प्रवीण रानी जी हैलो। चलो ज्यादा देरी नहीं करते, आपां सेशन नूं स्टार्ट कर देने आ ते आंसर करने स्टार्ट कर दियो। आंसर बिल्कुल चड़ी लग जानी चाहिए है, पता लगना चाहिए कि हरेक बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है। चलो जी फर्स्ट, ठीक है, ये अपना बैच चल रहा है, इसे आपां टपा देने, आपां टाइम वेस्ट नहीं करते। पहला क्वेश्चन, क्लास पूरी लंबी रहने वाली है ता करके मैं कहना। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटर पार्ट ऑफ पंजाब इज कवर्ड विद, पंजाब दी मिट्टियां दी गल हो रही है जी, पंजाब दा जो बड़ा हिस्सा है वो केड़ी मिट्टी नाल कवर किया हुआ है, कमेंट करो फटाफट। तुसी कहंदे सी कि सर पंजाब जीके दे भी पा लियो, अज मैंने पंजाब जीके दे क्वेश्चन भी फिल किते ने दे विच। वेरी गुड इवनिंग सतविंदर कौर जी। चलो जी इहदा आंसर दिओ बिल्कुल क्वेश्चन दा, द ग्रेटर पार्ट ऑफ पंजाब इज कवर्ड विद। आपां सारिआं नूं पता है पंजाब नूं पंज आवा, पंजाब दा नाम ही पंज दरियावां दी धरती है। ठीक है, एंशिएंट टाइम दे विच पंजाब दा नाम हुंदा सी सप्त सिंधु, क्योंकि इत्थे सत्त दरिया वगदे सी, सतलुज ब्यास रावी चिनाब ते जेहलम, ये पंज दरिया। ठीक है, तो इन्हां नूं की कहा जांदा सी पंजाब, ते सत्त दरिया कहड़े कहड़े सी, इंडस ते सरस्वती। राइट जी राइट, बिल्कुल बिल्कुल एलुवियल सोयल वेरी गुड। शिखा शर्मा दा आंसर है सब तो पहला, मन कौर दा, बिल्कुल मनजीत खैरा, बिल्कुल जिन्होंने आंसर एलुवियल सोयल किया है बिल्कुल वेरी गुड। पर तुहानू बहुत सारिया चीजा ने जो मैंने समझानिया ने इहदे विच। देखो पंजाब नूं पंज दरियावां दी धरती कहिंदे आ, और जिथे नदियां हमेशा केड़ी मिट्टी लैके आंदियां ने, जलोड़ मिट्टी एलुवियल सोयल। यह है जी पंजाब दा मैप। देखो सतलुज पंजाब दे विच्चों एंटर करदी है भाखड़ा नंगल वाली साइड तो, ठीक है, ते ब्यास करदी उपरों। इस रीजन नूं पंजाब दे नूं आपां ब्यास ते सतलुज दे विचकारले रीजन नूं की कहिंदे आ, दुआब। सतलुज ते विच देखो जी, सतलुज ते ब्यास वाले रीजन नूं की कहिंदे आ, दुआब, ते ब्यास ते रावी दे रीजन नूं आपां की कहिंदे आ जी, माझा रीजन। ठीक है,
नीचे वाला रीजन केड़ा है मालवा, ध्यान रखना है सारा। अच्छा जी कमेंट करके दसो सतलुज ते ब्यास जिथे मिलदियां ने उस जगह नु की कहंदे ने, सतलुज ते ब्यास जिथे मिलदियां ने उस जगह नु की कहा जांदा जी, ओनु कहंदे आपां हरीके पत्तन। ठीक है जी, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट दे विच पैंदा हरीके पत्तन। ते जे गल करदे आपां उपर नु जम्मू एंड कश्मीर है, इधर इंटरनेशनल बाउंडरी इक है सिर्फ पाकिस्तान, ए भी याद रखना है। ठीक है, अच्छा जी ते गल करते हैं अगर आप रेन दी, पंजाब दे विच जो रेनफॉल का पैटर्न है, अगर आप नीचे वालों डाउनवर्ड इस साइड जाने हैं तो रेनफॉल घटती जाती है। सब तो ज्यादा रेनफॉल इस शिवालिक वाले रीजन च होती है, फिर खंडी वाला, फिर एलुवियल प्लेन। ये सारा रीजन एलुवियल प्लेन वाला जिथे एलुवियल सॉयल पाई जाती है। वेरी गुड। अच्छा जी ते गल करते हैं हम इंडिया की सॉयल की, इंडिया दी सोयल ते बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं तुहानू दसदा अगर गल करिए ग्रीन पार्ट की, जिहड़ा ग्रीन पार्ट वाला पोर्शन है केड़ी सोयल है जी, ए है फोरेस्ट सोयल। जिहड़ा उपरला पोर्शन है ए हैगी आ फोरेस्ट सोयल। तो जे गल करते हैं रीजन की गंगा वाला, जो गंगा वाला पूरा रीजन है, इधर की है ब्रह्मपुत्र वाला रीजन, पूरे पाई जाते जी एलुवियल सोयल। आप उरो भी एस्टीमेट लगा सकते हैं, देखो पंजाब इस रीजन के विच आंदा है, पंजाब दे विच सब तो ज्यादा केड़ी मिट्टी पाई जाती होगी एलुवियल सोयल। इन्हां नूं की कहिंदे ने गंगा प्लेन्स, इन्हां सारयां दे विच एलुवियल सोयल है। ते जे गल करिए आह प्लेटू डेकन प्लेटू वाला पोर्शन, इत्थे की पाई जाती है जी ब्लैक सोयल, ते कुछ गुजरात दे पोर्शन दे विच भी यह पाई जाती है। राजस्थान वाले रीजन च की पाया जाता है जी एरिड सोयल। ठीक है, सैंडी ते एरिड सोयल राजस्थान। और जो इंडिया दे विच मोस्टली तुहानू रेड पोर्शन दिख रहा है, इत्थे पाई जांदी है रेड ते येलो सोयल। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है, महाराष्ट्र गुजरात वाले पोर्शन च सारे च पाई जांदी है ब्लैक सोयल। ब्लैक सोयल नू कॉटन सोयल भी कहा जांदा है। ठीक है, आपां ने इस विच सारे मिक्स क्वेश्चन कीते ने। चलो जी अगला क्वेश्चन, इहदा आंसर है एलुवियल सोयल। तुहानू पता होगा देखो पंजाब की रहा आक्रमणकारियों के लिए सब तो इंपोर्टेंट पॉइंट रहा है, जेड़ा भी इंडिया के विच आया तो इंडिया के विच हमला किया उन्हें कितों एंटर किया, पंजाब के विच एंटर किया। ठीक है, पासिस की होंदिया ने जिथे रस्ता, पहाड़ों के विच जो रस्ता होंदा उन्हें की कहने आपां पासिस। वह किहड़ा रस्ता सी जिथों बहुत सारे आक्रमणकारी आए तो उन्होंने इनवेडर्स आए तो उन्होंने एंट्री की। हेलो मुनीश महाजन जी, हेलो अभिषेक शर्मा ये कह रहे ने। अच्छा देखो पंजाब अपना किदे नाल रलदा, पाकिस्तान नाल, पाकिस्तान दे विच ओ पास खाइबर पास। वेरी गुड जी, दा आंसर है खाइबर पास, बी ऑप्शन वाले बिल्कुल राइट ने। सुखप्रीत रजनी, वेरी गुड वेरी गुड, खाइबर पास बिल्कुल पाकिस्तान दे विच है, एक रस्ता सी जो एंट्री करन दा साधन सी। वेरी गुड। अच्छा पंजाब दे विच आन वाला पहला इनवेडर केड़ा सी, सब तो पहले इनवेडर एंशिएंट टाइम ते आए सी, उन्हां नूं कहिंदे आपां आर्यंस। वेरी गुड, आर्यन सब तो पहला आए सी, खाइबर पास इहदा बिल्कुल राइट आंसर है। पंजाब दे विच बहुत सारे इनवेडर आए ते बहुत सारे उन्होंने हमले किए, जिवें आर्यन परशियन ग्रीक इजिप्टियन अफगान ते मंगोल। अच्छा जी एवें दसो मोहम्मद बिन कासिम कदों आया सी इंडिया दे ते कदों हमला किया सी उन्हें। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 AD दे विच, ते जे गल करदे आपां मोहम्मद गजनी कदों आया सी, महमूद गजनी कदों आया सी 1001 दे विच। अच्छा तराइन दे वार, जो तराइन दे दो वार होए ने मोहम्मद गोरी ते पृथ्वीराज चौहान दे विच, कदों कदों होए सी 1191 ते 1192 दे विच दो वार तराइन दे होए सी। अच्छा जी हुण आ रहे ने गल आनंद कारज दी, सिखां दे केड़े गुरुआं द्वारा आनंद कारज दी प्रथा चलाई गई। वेरी गुड वेरी गुड, सारे ने आंसर किया आनंद कारज दी प्रथा केड़े गुरुआं द्वारा चलाई गई सी।
बिल्कुल बिल्कुल, सारे जने शिखा शर्मा सारे जने राइट आंसर कीते ने, बिल्कुल सारे जने ने, मनजीत शिखा सतवीर जीत गुरप्रीत अभिषेक मनप्रीत, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तराइन का जो फर्स्ट वॉर होया सी उस दे विच कौन जीतया सी? उस दे विच जीतया सी पृथ्वीराज चौहान। और जो सेकंड वॉर होया सी 92 दे विच, ओदे विच जीतया सी मोहम्मद, बिल्कुल जी बिल्कुल, गुरु श्री गुरु रामदास जी ने। हुण एक चीज ध्यान रखियो, श्री गुरु रामदास जी ने तीन चीजा चलाईया सी। पहली गल तां श्री गुरु रामदास जी ने तीन चीजा चलाईया, ध्यान रखो, मसंद प्रथा किन्ना ने चलाई सी? मसंद प्रथा, देखो जी श्री गुरु रामदास जी इन्होंने तीन चीजा चलाईया, लावा सिस्टम चलाया इन्होंने, मसंद प्रथा चलाई ते आनंद कारज, बिल्कुल राइट। ठीक है, ये सारा चीज ते मल अखाड़ा स्टार्ट किया सी गुरु अंगद देव जी ने, सिखां दे सेकंड गुरु सी ये, ते इन्हां नूं भाई लहना जी भी कहंदे ने, गुरु अंगद देव जी। अच्छा नेट स्लो है तां करके सिस्टम, कोई इशू नहीं है। पीएस टेट अप्रोक्सली जनवरी दे विच होगा, जनवरी दे विच उम्मीद है जी। सुखमनी साहेब, सुखमनी साहेब किदी रचना है? कमेंट करके दसो फटाफट। आदि ग्रंथ भी लिखा सी उन्होंने, सुखमनी साहेब भी रचना उन्हां दी ते आदि ग्रंथ, ते जे गल करदे आ फर्स्ट गुरु नानक देव जी ने की लिखा सी, इन्हां दीआं रचनावां भी आपां दसांगे। सत श्री अकाल कौरसिक जी, सत श्री अकाल। बिल्कुल जी, मंजी प्रथा, जो मंजी प्रथा सी ओह चलाई सी श्री गुरु अमरदास जी ने, जो थर्ड गुरु सी जिन्हां ने मीरी ते पीरी, बिल्कुल जी बिल्कुल, श्री गुरु अर्जन देव जी, एदा बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा जी तुसी हुण कमेंट दे विच दसो गुरु नानक देव जी दियां केड़ियां केड़ियां रचनावां सन, गुरु नानक देव जी दियां। सत श्री अकाल हरदीप कौर पनेसर, बिल्कुल जी, श्री गुरु नानक देव जी ने केड़ी केड़ी लिखे सी? एक ओंकार जपजी साहिब, ठीक है, असां दी बार, सिद्ध गोष्ठ, ये सारियां कीतियां ने श्री गुरु नानक देव जी दियां रचनावां ने। ते श्री गुरु गोविंद सिंह जी दियां रचनावां केड़ियां सी? चंडी दी वार, वचित्र नाटक, ठीक है, जफरनामा, ये सारियां श्री गुरु गोविंद सिंह जी दियां सी, बिल्कुल। हाँ जी हाँ बिल्कुल, मीरी ते पीरी केड़े गुरुआं ने धारण कीतियां सी? दो तलवारां, श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी, ठीक है बिल्कुल, सिक्स्थ गुरु सी सिखां दे इन्हां ने। सत श्री अकाल रजिंदर राणा जी। चलो नैक्सट, हुण आपां पंजाबी दे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पाए, पंजाबी दे 5-7 क्वेश्चन नहीं पाए ने, उस तो बाद आपां तुहानूं फिर की करावांगे, नैक्सट टॉपिक। बिल्कुल सारे जने सैशन नूं लाइक करदे चलियो ते सारे जने कमेंट भी करदे चलियो। सत श्री अकाल पिंदर कौर जी, बिल्कुल, जफरनामा चंडी दी वार, वेरी गुड, बचित्रनाथ। अच्छा जी दल्ला वाला वालिया मिसल, बिल्कुल, दल्ला वालिया मिसल दे फाउंडर कौन सन? तुहानू पता है कि पंजाब नू 12 मिसलां दे विच डिवाइड किया गया सी, ते शुकर चकिया मिसल बारे सारे ने सुनिया होगा, महाराजा रणजीत सिंह शुकर चकिया मिसल तो बिलोंग करदे सी। जस्सा सिंह आलूवालिया, आलूवालिया मिसल तो बिलोंग करदे सी, वेरी गुड। अज आपां 100 दे करीब व्यू लेके जाने ने, ते क्लास भी लंबी चलूगी, घंटे दी नहीं हैगी, 1.5 घंटा खिच दांगे, सारे क्वेश्चन करवा के जावांगे।
बिल्कुल गुलाब सिंह, वेरी गुड, गुलाब सिंह ये था बिल्कुल राइट आंसर है जी। अच्छा जी, किसी को पता ट्रीटी ऑफ अमृतसर कदों हुई सी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर कदों हुई सी? किन्ना महाराजा रणजीत सिंह ते अंग्रेजों के विच हुई सी? सतलुज रिवर दे एक साइड महाराजा रणजीत सिंह दी टेरिटरी ते दूसरी साइड अंग्रेजों दी टेरिटरी निर्धारित की गई सी। ट्रीटी ऑफ लाहौर, दस्यो कमेंट करके। बिल्कुल वेरी गुड। अच्छा जी, गल आ जाती है शहर बसाने की। गोविंदवाल साहिब किन्ना ने बसाया सी? बिल्कुल जी, महाराजा रणजीत सिंह, शुकर चकिया मिसल। थैंक यू सतविंदर बराड़ जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल 1809 इसका बिल्कुल राइट आंसर है जी। मानकौर जी, सुप्रीत कौर, अभिषेक, गुरजंट, शहनाज, सब का आंसर बिल्कुल राइट है। बीमा देवी, सतविंदर, जिन्हों का मैं नाम नहीं लिया जाता कमेंट इन फास्ट आते हैं उन्होंने एक्सट्रीमली सॉरी, पर बिल्कुल ही बहुत ही मजा आ रहा है सैशन के। हाँ जी, चार्ल्स मेटकैफे वर्सिज महाराजा रणजीत सिंह भी याद रखियो। गल करते आप गोविंदवाल साहिब, देखो जी इंपॉर्टेंट ने, हरेक गुरुआ ने कोई ना कोई शहर बसाया है, ये चीजा बहुत इंपॉर्टेंट ने। गोविंदवाल साहब केड़े गुरुआ ने बसाया सी? बिल्कुल जी बिल्कुल, जिन्ना ने श्री गुरु अमरदास जी आंसर किया है ओ बिल्कुल ही ठीक ने, ठीक है, बी आंसर है दा श्री गुरु अमरदास जी। अच्छा जी, आई भी दसो गुरु अंगद देव जी ने केड़ा शहर बसाया सी? श्री गुरु अंगद देव जी ने केड़ा शहर बसाया सी? ते गुरु रामदास जी ने बसाया सी रामदासपुर, जिन्हों आप अज अमृतसर के नाम नाल जानते हैं। वेरी गुड। हेलो सिमर मेहरा जी, हेलो। यश ने से बी आंसर है दा राइट आंसर है जी, बिल्कुल। देखो जी, गुरु अंगद देव जी ने बसाया सी खडूर साहिब। बिल्कुल बिल्कुल, सतविंदर कौर विरक का आंसर बिल्कुल ठीक है, मन कौर का आंसर बिल्कुल ठीक है जी, सुप्रीत कौर का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, अभिषेक शर्मा का भी बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। श्री गुरु अर्जन देव जी ने केड़ा शहर बसाया सी? ये भी कमेंट करके दसो, श्री गुरु अर्जन देव जी ने। अच्छा, कोर्स इधर नाम रह गया, कोई इशू नहीं है, तो अड्डा नाम भी ले देने हैं। एरर तो नहीं आ रही, वीडियो से चल रही। बिल्कुल जी बिल्कुल, अभिषेक शर्मा जी ने आंसर दिया तरन तारण। बिल्कुल वेरी गुड, तरन तारण ठीक है जी। अच्छा, दो गुरुओं ने और इंपॉर्टेंट ने, गुरु तेग बहादुर जी ने केड़ा शहर बसाया थी ते श्री गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखा दे लास्ट गुरु सन, ठीक है, उस तो बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब क्या दिता गया सी उन्हां द्वारा? श्री गुरु तेग बहादुर जी ने केड़ा शहर बसाया सी? कमेंट करके दसो। करतारपुर, करतारपुर तो बसाया सी श्री गुरु नानक देव जी ने।
हाँ जी अभिषेक शर्मा का आंसर बिल्कुल ठीक है, चक नानकी, बिल्कुल आनंदपुर साहिब चक नानकी, वेरी गुड वेरी गुड। आनंदपुर साहिब बसाए से श्री गुरु तेग बहादुर जी ने, तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने केड़ा बसाया सी, पौंटा साहिब। क्लियर है जी, क्लियर है। चलो हुण नेक्स्ट ते आने आपां, हुण आ जांदा अपना हिस्ट्री वाला पोर्शन। हिस्ट्री देखदे आ, चेक करदे आ किहदी हिस्ट्री स्ट्रोंग है। वेरी गुड, अच्छा जी गल हो रही है आत्मिया सभा, आत्मिया सभा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। आज टॉपिक करेंगे अपन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का। चलो जी डन, हुण आपां गल करदे हां जी। बिल्कुल जी, सब तो पहला आंसर है सतविंदर कौर विरक दा, फिर मुनीश महाजन, रजिंदर राणा, खुश संधु। बिल्कुल जी बिल्कुल, राजा राम मोहन रॉय ने, बिल्कुल। किन्ने ईस्वी दे विच कोई टाइम पीरियड दस सकदा है? अच्छा जी राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने यह कदों की सी 1814 या समटाइम 15 भी आंदा आत्मिया सभा राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। अच्छा जी राजा राम मोहन रॉय नू राजा का टाइटल किने दिता सी, कमेंट करके दसो। तुहाडा भी कमेंट शो होगा मनप्रीत, डोंट वरी, सब का शो हो रहा है। नहीं जी नहीं, 1814 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ 1828 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਦਿਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਗਰਾ ਤੇ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ 8 ਵਜੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। बिल्कुल जी बिल्कुल, अकबर टू इहदा बिल्कुल राइट आंसर है, अकबर टू बिल्कुल राइट आंसर है जी। अकबर टू ने दिता सी टाइटल इन्हां नूं, ते ब्रह्मो समाज याद रखियो राजा राम मोहन रॉय ने, राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा खत्म कीती सी, केड़े सन दे विच सती प्रथा भी खत्म कीती सी, ठीक है सती प्रथा, वेरी गुड। अच्छा बहुत सारे फैक्ट यार क्लियर कर लो, सारी चीजें आप क्लियर कर लांगे। बिल्कुल 1829 दे विच राइट, ठीक है 1829 दे विच इन्होंने की कीती सी सती प्रथा, वेरी गुड। स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने की कीता सी आर्या समाज दी स्थापना किन्होंने कीती सी, स्वामी दयानंद सरस्वती, वेरी गुड। ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰਮਹੰਸ ਮੰਡਲੀ, ਪਰਮਹੰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਫੇਮਸ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣੋ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਪੀਚ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 1875 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਜੋ 1828 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਧਾਰਨ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਦਿ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਬੁੱਪੀ ਡੋਨ। ਯਾਰ, ਮੈਰਿਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਓ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਾ ਲਿਓ। ਯਾਰ, ਮੈਰਿਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਨਾ ਲਾਈਓ, ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਓ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਵਾਮੀ ਦਿਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਵੇਦਾਸ, ਵੇਦਾਸ ਦੀ ਤਰਫ ਲੋਟੋ। ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫੋਰਮਸ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਕਰਾ ਛੱਡਣਾ, ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਵੇਦਾਂ ਕੀ ਔਰ ਚੱਲੋ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਵਾਮੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰਮਹੰਸ ਮੰਡਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਰਮਹੰਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, 1893 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜੋ ਨਰਮ ਦਲ ਤੇ ਗਰਮ ਦਲ, ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਰਮ ਦਲ ਇੱਕ ਗਰਮ ਦਲ, ਉਹ ਜੋ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਕਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਲੇ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜੇ ਆਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 1893 ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ? ਸੂਰਤ ਸਪਲਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਦਲ ਤੇ ਨਰਮ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਕੀ ਸੀ ਗਰਮ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬਾਲ ਪਾਲ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ ਤੇ ਲਾਲ ਬਾਲ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਿੰਦੋ ਗੋਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਹ ਸਲਾਈਡ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੇ, ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਮੈਨੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ 1772 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1833 ਵਿੱਚ। ਥਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੁਗਲ ਐਮਪਰਰ ਨੇ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਫੁੱਲ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਰ ਲੈਕਚਰ, ਚਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਚ ਫੁੱਲ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਓ, ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ। ਚਲੋ ਵਾਪਿਸ ਆਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਊਗਾ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਨੇ।
अभिषेक शर्मा, विंद्रोनी शर्मा, मुनीश महाजन, सतविंदर कौर विरक, बिल्कुल बिल्कुल जिन्होंने भी बी आंसर दिता है ना, मैनू नहीं पता कॉपी करके दिता एक दूजे की किमें दिता, पर बी आंसर वाले बिल्कुल ठीक ने। इन्हों की डैथ 1833 के विच ही हुई सी, पर इंडिया के विच नहीं हुई, यह हुई सी यूके के विच, सिर्फ इन्ना फर्क है। बाकी तुसी याद रखना वेल टू डू फैमिली नू बिलोंग करते सी, 1772 दे बॉर्न ने। राजा ने किस मुगल एम्परर ने, अकबर टू, अकबर ने याद रखियो, अकबर टू दी गल है, ये भी याद रखियो, अकबर वन नहीं आए, अकबर टू दी गल है। ते इन्होंने इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, देखो जी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है संवाद कुमदी, इन्होंने न्यूज़पेपर की किया सी स्टार्ट किया सी। अच्छा कमेंट करके दसो फर्स्ट न्यूज़पेपर किन्ना ने स्टार्ट किया सी, ते कदों स्टार्ट किया गया सी, उसका नाम की सी फर्स्ट न्यूज़पेपर, फर्स्ट न्यूज़पेपर दसो जी, फर्स्ट न्यूज़पेपर कदों स्टार्ट किया गया सी ते केड़ा, ते नाल ही उस तो बाद तुसी कमेंट दे विच दसना है गांधी जी ने केड़ा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया सी। वेरी गुड। अच्छा जिन्ने बंदे देख रहे ने ना लाइक कर दो, नहीं बटन आके मिलने तो अनु प्यार भी कर दो, लाइक भी नहीं करते तो ना ही साफी है यार। अच्छा जे हम देखो जिन्हें ज्यादा गंद पाने की कोशिश की ना मैंने ब्लॉक कर देना, मैरिज वाले कमेंट नहीं करने, बार बार पढ़ाई वाले करो, ठीक है। जेम्स हिक्की, ठीक है बिल्कुल, फर्स्ट न्यूज़पेपर का नाम सी जी बंगाल गजेट, ठीक है, किने किया सी जेम्स हिक्की, जेम्स अगस्टस हिक्की भी कह देंदे ने, उन्होंने फर्स्ट न्यूज़पेपर स्टार्ट किया सी। वेरी गुड। ते गांधी जी, गांधी जी के न्यूज़पेपर का नाम दसो किनू पता है, गांधी जी ने न्यूज़पेपर किते इंडियन ओपीनियन, वेरी गुड वेरी गुड, ते यंग इंडिया हरिजन पत्रिका, इंडियन ओपीनियन, यंग इंडिया हरिजन पत्रिका, वेरी गुड। अच्छा एक न्यूज़पेपर है कॉमन व्हील, कॉमन व्हील दसो किन्ना दा न्यूज़पेपर सी, ते एक न्यूज़पेपर आज भी आंदा द हिंदू, ए किन्ना दा सी दसो कमेंट करके। अच्छा क्वेश्चन तो रह गया, अच्छा जी बुक किने लिखी सी, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਡਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੰਮ, ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੰਡੀਅਨ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀਜਨ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਦ ਕੋਮਨ ਵੀਲ, ਕੋਮਨ ਵੀਲ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੇਡੀ ਨੇ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ ਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ ਕੌਣ ਨੇ, ਫਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਮੈਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਫਸਟ ਵੀਮੈਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 1917 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਰੂਲ ਲੀਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹੋਮ ਰੂਲ ਲੀਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਲੇਡੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ, 1925 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਹ ਬੁੱਕ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ, ਗਿਫਟ ਟੂ ਮੋਨੋਥਿਜ਼ਮ, ਮੋਨੋਥਿਸਟ, ਮੋਨੋਥਿਸਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਨੋਥਿਸਟ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂ ਨਾਮ ਲੈਣ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਨੇਮ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਬੋਲਾਂਗੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਓ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਾਮ ਵੀ।
बिल्कुल सतविंदर कौर, शिखा शर्मा, अभिषेक शर्मा, बिल्कुल जी बिल्कुल। 1925 का कानपुर वाले सेशन दे विच सरोजनी नायडू, वेरी गुड। होम रूल लीग मूवमेंट भी उन्होंने ते किन्ना ने की सी, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 दे विच की सी, पहला किने की सी अप्रैल दे विच बाल गंगाधर तिलक, ते बाद दे विच इन्होंने की सी ठीक है सितंबर अगस्त दे विच। जीत नू की हो गया, जीत नाराज हो गया, अज जीत दा नाम नहीं लिया आपां ने, कोई ना जीत कोई ना आजा आजा लवांगे, हुण टेंशन नहीं लिया कर तू। चलो अच्छा, गिफ्ट टू मोनोथिस एक इन्हां दी बुक है, एक इन्हां ने द्वारा लिखी गई सी, राजा राम मोहन रॉय ने लिखी सी, बिल्कुल वेरी गुड। मन कौर ने आंसर किया, मन कौर ने दा आंसर बिल्कुल सही किया जी, राजा राम मोहन रॉय, मन कौर दा आंसर बिल्कुल राइट है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, आपा की दसना केड़ी स्टेटमेंट करैक्ट नहीं है, देखो ध्यान नाल सोचियो, ए स्टेटमेंट करैक्ट नहीं है, नॉट करैक्ट। ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज सेटअप किया सी 1828, ए बिल्कुल ठीक है, अपन पता है। दूसरा, ब्रह्मो समाज फोरबिड, मना करते सी आइडल वर्शिप, ए कहंदे सी कि मूर्ति पूजा नहीं करनी ठीक है, ते नाल ही मीनिंगलेस राइट्स ते रिचुअल नु भी डिस्कार्ड करदे सी, ए भी बिल्कुल ठीक है जी। ते जे गल करिए सती प्रथा, आपां नु ए भी पता है इन्हां ने की कीता सी, सती प्रथा 1829 दे विच एबॉलिश कीती सी। आंसर की बनदा हुण, सानू नाम दा कोई चक्कर नहीं सर, मैं कदे नहीं गुस्सा करदा एवें दियां छोटियां जियां गल्लां तो, ठीक है फिर। चलो चलो नेक्स्ट, कोई इशू नहीं है यार, सारे दा नाम लवांगे हुण आपां। अभिषेक शर्मा, विंद्रौनी शर्मा, नैंसी, जीत, भूपिंदर, भूपी, डॉन, बिल्कुल जी बिल्कुल। इहदा आंसर की है जी, नॉट करैक्ट पूछिया, सी इहदा बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि इन्हां ने चाइल्ड मैरिज दी कोई गल नहीं कीती सी, चाइल्ड मैरिज दे उत्ते कोई गल नहीं हुई सी ठीक है। इस तरीके नाल आपां सारे फैक्ट भी याद कर ले ते क्वेश्चन दा आंसर भी सही कर लिया, वेरी गुड। चलो जी अगला, ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज तुहानूं मैं ऑलरेडी दस्या सीगा कि उस तो बाद अगे जाके 1966 दे विच ठीक है, 1866 ना डिवाइड हो गया सी, केशव चंद्र सेन उन्हां नूं अपना की बना लिया सी, साधारण ब्रह्मो समाज, ते बाकी पिछे की रह गया सी, आदि ब्रह्मो समाज। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, लखा रुपए की गल कही है तुसी, ये नाम बनाना पैंदा है फिर नाम लैणगे, वेरी गुड। बिल्कुल जी बिल्कुल, दसो जी ब्रह्मो समाज नाल कौन एसोसिएटेड नहीं है, नॉट एसोसिएटेड पूछा गया उरी ठीक है, कौन एसोसिएटेड नहीं है, नॉट एसोसिएटेड। आत्मा राम, बिल्कुल जी बिल्कुल, आत्मा राम, पांडुरंग। अच्छा तुसी हुण आए दसना है तीनों ब्रह्मो समाज नाल रिलेटेड ने, आत्मा राम, पांडुरंग कि इन्हां ने की चीज, ए केड़े समाज नाल रिलेटेड ने, ए भी दसो कमेंट करके, आत्मा राम पांडुरंग ने केड़े समाज दी स्थापना कीती सी। बिल्कुल शिखा जी सावधे आंसर देख रहे हैं आपां, सावधे बिल्कुल डी आंसर कीता जिन्हां ने, देखो मुनीष महाजन, शिखा, जीत, मनकौर, सतविंदर, रजिंदर, नैंसी, यश, रमनदीप, सुखप्रीत, सिमर, शिखा, विंदर, बीमा, गुरमीत, मानकौर, वेरी गुड वेरी गुड। इन्हां सारयां दे आंसर बिल्कुल ठीक ने, हुण आपां नाम भी लिया करांगे, पहले 10 तों 15 बच्चियां दा नाम लिया करांगे जिन्हां ने भी आंसर दिता। आ देखो हुण मानकौर ने आंसर दिता, केड़े समाज दी स्थापना कीती है इन्हां ने, प्रार्थना समाज दी, वेरी गुड मानकौर ने दिता है,
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਜ ਜੀਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਨਜੀਤ ਖਹਿਰਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਸ਼ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਪਾਂਡੂ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੌਣ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਕਦੋਂ ਸਪਲਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਸਧਾਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੌਣ ਸੀ ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਸੈਨ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਆਦਿ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਦੋਂ ਅੱਛਾ ਸਪਲਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਕਦੋਂ ਸਪਲਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਮ ਜੀ ਰਨਾਡੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਹ ਸਪਲਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 1866 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੀ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਨਸੀ ਗੋਇਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨੈਨਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ 1843 ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਕੌਰ ਨੇ ਐਮ ਜੀ ਰਨਾਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ 1866 ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀ ਐਸ ਟੈਟਲੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਸੋਨੂ ਰਾਣੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਯਾਰ ਜੀ ਤੇਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜੇ ਗਲਤ ਕਰਾਤਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਮਲੇ ਹੋ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹੋ ਕੁਛ ਆਪਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤ ਲਿਆ ਕਰੋ ਯਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫੋਰਮਰ ਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਸਿਮਰ ਮਹਿਰਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਛਾ ਖੁਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਵਿਡੋ ਰਿਮੈਰਿਜ ਤੇ ਗਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿਓ ਬੇਧੜਕ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਜ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਪਾਂਡੂਰੰਗ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਸੇਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਸੇਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਡੀ ਆਨਸਰ ਸੋਚਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਆਤਮਾ ਰੰਗ ਪਾਂਡੂ ਰਾਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਸੇਨ ਜੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਧਾਰਨ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੀ ਆਨਸਰ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਵਾਦੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੁਣ ਚੋ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤਵਾਦੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੀਤ ਗਿਰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੈਨਸੀ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀਤ ਜੀ ਫਰੋਡ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੀ ਆਨਸਰ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਗੋਪਾਲ ਹਰੇ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਬੀ ਆਨਸਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਹਰੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋਟ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ 1893 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਤਿਆ ਸੋਧਕ ਸਮਾਜ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਤਿਆ ਸੋਧਕ ਸਮਾਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋਤੀਬਾ ਫੁੱਲੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੋਤੀਬਾ ਫੁੱਲੇ। ਤੇ ਦਿਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ, ਨੋਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਜ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਸੀ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਕਦੋਂ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 1875 ਬੰਬੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਫੈਕਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲੈਕਚਰ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਓਸ਼ੀਅਨਿਕ ਕਰੰਟਸ। ਓਸ਼ੀਅਨਿਕ ਕਰੰਟਸ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਗਾਊਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੋਪਿਕ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਿਫੋਰਮ ਸੀ ਉਹ ਟੋਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਵਾਤਾ ਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਓਸ਼ੀਅਨ ਕਰੰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਰੰਟਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋਟ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਵਾਰਮ ਕਰੰਟਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਲਡ ਕਰੰਟਸ। ਜੋ ਕਰੰਟ ਇਕੁਏਟਰ, ਦੇਖੋ ਇਕੁਏਟਰ ਆ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਏਟਰ। ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਓ, ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੌਰਥ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮੈਰੀਕਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਊਥ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਕੋਂਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਫਰੀਕਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਯੂਰੋਪ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਏਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਲਿਖਦਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਟਾਰਟਿਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਉਰੋ ਜੋ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ, ਇਕੁਏਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਓਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ, ਜਿਹੜਾ ਓਸ਼ੀਅਨ ਨੌਰਥ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਟਲਾਂਟਿਕ। ਨੀਚੇ ਹੈ ਸਾਊਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ, ਉੱਪਰ ਹੈ ਨੌਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਉਰੇ ਆਉਂਦਾ ਉੱਪਰ ਆਰਟਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਰਵੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੰਟਸ ਦੀ, ਕੁਛ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਰਮ ਕਰੰਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਮ ਕਰੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਨੇ ਵਾਰਮ ਕਰੰਟ।
लाइक पूरे करंट केड़ा वार्म गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट करांगे सब तो पहला फिर नॉर्वेजियन करंट नॉर्वे च जांदी आ गल्फ स्ट्रीम दा ही एक पार्ट ए भी की है वार्म करंट इक्वेटर तो नीचे इस साइड आंदा है जेड़ा इनू कहने आपा ब्राजील ब्राजीलियन करंट वेरी गुड ते इक्वेटर तो नीचे जो इधर वाले पोर्शन च मेडागास्कर साइड आंदा है इनू कहने मोजाम्बिकियो ते ऑगुलस करंट ए भी की है वार्म करंट है एक ते जे गल करदे इधर ऑस्ट्रेलिया दे इधर इधर करंट आंदा एक ऑस्ट्रेलियन करंट ए भी एक वार्म करंट है ते एक गल याद रखियो क्रोशियो क्रोशियो करंट है ए भी ऊपर जा रहा है जेड़ा वार्म करंट है जेडे भी करंट इक्वेटर तो जा रहे ने दूर ऊपर वाल जा नीचे वाल वो सारे किड़े होंगे वार्म करंट और जो इक्वेटर वाल आ रहे ने वो सारे की ने कोल्ड करंट यानी के लैब्राडोर करंट देखो ब्लू नाल डिनोट किया है लैब्राडोर की है कोल्ड करंट वेरी गुड ते पेरू इधर पेरू करंट केड़ा जेड़ा इक्वेटर वाल नु जा रहे ने सारे पेरू की है कोल्ड करंट बेंगुएला जो साउथ अफ्रीका वाली साइड है बेंगुएला करंट ऑस्ट्रेलिया ला वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट ऊपर नु जा रहा है ऊपर वो केड़ा रे ओयोशियो ए की है बिल्कुल जी कोल्ड करंट सारे हम अपना ने पढ़े है कोल्ड करंट ठीक है चलो हुन आपा गल करते हैं क्वेश्चन दी एमसीक्यू दी ऑक्युरेंस ऑफ ओशियन करंट केड़ा फिनोमिना रिस्पोंसिबल है जी करंट वास्ते जेडे करंट्स ने देखो समुंदर दे विच जो करंट्स पैदा होंदे ने करंट्स कीनू कहने आपा कि फ्लोइंग वाटर जो पानी चल रहा है ओनू आपा ज्योग्राफी दी लैंग्वेज दे विच करंट्स कहने आ दसो जी विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल फिनोमिना इज ओशियनिक करंट्स ली रिस्पोंसिबल है सैलिनिटी सैलिनिटी की होंदा जी देखो सैलिनिटी होंदा नमक दी मात्रा दा होना अर्थ दी रोटेशन या फिर टेंपरेचर दा चेंज या फिर प्लैनेटरी बेंड्स या फिर इहदा आंसर आऊगा ऑल ऑफ दीस ज्योग्राफी दी गल आंदी है देखो किनू किनू पता है ज्योग्राफी किसे नु भी नहीं आंदी अच्छा सब तो पहला प्रीति बटे जने हिम्मत करके हिम्मत हौसला जा करके आंसर किता एक फिर सतविंदर कौर ने भी किता है यश अरोरा ने टेंपरेचर क्या है बिल्कुल सब तो पहला तो सही आंसर आया है सुखप्रीत कौर दा जिन्होंने आंसर किता है ऑल ऑफ दिस ये सारियां चीजां ओशनिक करंट्स दे कावे ली फ्लोली की ने इंपॉर्टेंट ने सैलिनिटी भी रिस्पोंसिबल है अर्थ दा रोटेशन भी रिस्पोंसिबल है टेंपरेचर भी रिस्पोंसिबल है ते प्लैनेटरी विंड्स भी रिस्पोंसिबल ने बिल्कुल वेरी गुड सतविंदर कौर जी वेरी गुड रजनीश रजिंदर राणा वेरी गुड शिखा शर्मा वेरी गुड इन सारे ने आंसर किया राइट चलो जी नेक्स्ट ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਮੈਂ ਪੜਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰਮ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੋਟ ਆ ਵਾਰਮ ਕਰੰਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕੋਲਡ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲਡ ਕਰੰਟ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲਡ ਕਰੰਟ ਹੈ थैंक्स सर मेरा एडमिशन हो गया चरणजीत कौर ਤੁਹਾਡਾ एडमिशन ਕਿੱਥੇ हो गया ਪੀਐਸਟੈਟ ਚ अच्छा अच्छा चलो वेलकम जी वेलकम ठीक है कांग्रेचुलेशंस रमनदीप ने आंसर ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਡੀ बट मैं तुहानू कहा सी जो मोजाम्बिकियू करंट है वह केड़ा है जी वह नीचे जा रहा है मोजाम्बिकियू चैनल आला मोजाम्बिकियू ता की है वार्म करंट है अच्छा अच्छा पिछले क्वेश्चन का किया ओके ओके कोई गल नहीं बिल्कुल जी बिल्कुल देखो यश अरोड़ा वेरी गुड यश शिखा शर्मा फ्लोरिडा ए बिल्कुल
करंट की है जी, कोल्ड करंट है, बाकी सारे वार्म करंट ने। ठीक है, वेरी गुड, जिन्होंने भी ये आंसर किया वेरी गुड। अच्छा जी, हुण तुहानू मैं एक चीज दसी सी कि अटलांटिक ओशियन कित्थे पैंदा है, एस शेप दा ओशियन है जो अटलांटिक ओशियन, इन्हां दे विचों केड़ा अटलांटिक ओशियन दा करंट नहीं है, दसो जी केड़ा अटलांटिक ओशियन दा करंट नहीं है। अच्छा भूपिंदर कौर कह रहे ने मेरा क्लियर है रिपीटेड, वेरी गुड वेरी गुड। तुसी हुण सेकंड दी करो फिर, वेरी गुड भूपिंदर कौर जी, फ्लोरिडा राइट आंसर है। हुण आपां गल करदे आं नॉर्थ एंड अटलांटिक ओशियन करंट, बाकी सारे करंट अटलांटिक ओशियन दे विच बिलोंग करते हैं, एक करंट है जिहड़ा, अगर तुहानू वर्ल्ड मैप का आइडिया है तुसी इहदा आंसर ठीक कर सकते हो। देखो तुहानू लैब्राडोर, अच्छा जी बिल्कुल, अच्छा गीत ने आंसर किया डी, पर डी आंसर ठीक नहीं है, गीत किसी का भी राइट आंसर नहीं आया हले तक। यश अरोड़ा बिल्कुल बिल्कुल, यश अरोड़ा बिल्कुल वेरी गुड। देखो यार बाकी की है, बेंगुएला हो गया, गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर, ये सारे अटलांटिक ओशियन दे ही पार्ट ने, उरे बेंगुएला, बट सोमाली करंट नहीं है, सोमाली करंट इस साइड पैंदा है, बिल्कुल सोमाली करंट सी इहदा बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा जी मन कौर कह रहे ने कि मेरा भी क्लियर है, वेरी गुड जी वेरी गुड। ठीक है, सोमाली करंट अटलांटिक करंट नहीं है, बिल्कुल सी आंसर वाले बिल्कुल राइट ने जी। अच्छा जी एक फैक्ट, एक फिनोमिना मैं तुहानू दसदा, देखो की है एक फिनोमिना की है, मान लो आ गई अपनी अर्थ, अर्थ की है इक्वेटर, इक्वेटर दे उपर जाने हैं तां की हुंदा राइट वल नूं मुड़दे आ, अगर नीचे जाने हैं तां की हुंदा जी इधर नूं लैफ्ट वल नूं मुड़दे आ इधर नूं। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕੋਰੋਲਿਸ ਇਫੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਰੋਲਿਸ ਇਫੈਕਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੋਰੋਲਿਸ ਇਫੈਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਗੀਤ ਗਿਰਦਰ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਯਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। जीरो एट इक्वेटर, वेरी गुड, इक्वेटर ते कोरोलिस फोर्स कितनी होती है जीरो। चलो जी नेक्स्ट, वार्म वाटर करंट केड़ा है, इन्हां दे विचों वार्म वाटर करंट केड़ा है। अच्छा जी कई बार ना क्वेश्चन आ जांदा है, मैं तुहानू दसदा सब तो बड़ा सब तो इंपोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड केड़ा है, जिथे ना वार्म करंट ते कोल्ड करंट आपस दे विच मिलते ने उथे की हुंदा सब तो ज्यादा फिशिज ग्राउंड हुंदा, उस जगह नू कहने आपां फाकलैंड आइलैंड। फाकलैंड आइलैंड किथे पाया जांदा है, यूएसए दे अटलांटिक ओशियन वाली साइड पाया जांदा है, फाकलैंड आइलैंड सब तो बड़ा फिशिंग ग्राउंड, याद रखियो। अच्छा जी वार्म वाटर करंट केड़ा इन्हां दे विचों, नहीं जी नहीं सिमर जी डी नहीं आ, कैनरीज करंट था कोल्ड वाटर का कोल्ड करंट है, कैनरीज नहीं आ। सुप्रीत ए कह रहे वेंगुएला, वेंगुएला भी कोल्ड करंट है जी। वेंगुएला कोल्ड करंट है,
जैपनी करंट, ठीक है, जिन्हों जापान भी कहने आपा कीता सी ना, कुरेशियो, कुरेशियो करंट, कुरेशियो जापान दे दो करंट सीगे, कुरेशियो ते ओएशियो, ओएशियो है कोल्ड करंट ते कुरेशियो है वार्म करंट, याद रखियो, ठीक है, कुरेशियो बिल्कुल गीत गिरधर दा आंसर बिल्कुल राइट है जी। चलो इजी क्वेश्चन आ गए, बहुत हो गया, बहुत हो गया ओके क्वेश्चन, हुन गल करदे आ थोड़ी जी पॉलिटी दी, ते लास्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी दा, बिल्कुल जबरदस्त तरीके दे नाल सारे ने पॉलिटी च करने ने, बिल्कुल जी बिल्कुल गीत जी राइट राइट। अच्छा जी एल नीनो, तुसी एल नीनो ते ला नीना बारे सुनिया होगा, वेरी गुड वेरी गुड, तुसी एल नीनो ते ला नीना बारे सुनिया होगा, एल नीनो इफेक्ट ते ला नीना इफेक्ट, जदों एल नीनो इफेक्ट आंदा ता इंडिया दे विच, इंडिया वाली साइड की हुंदी है, ज्यादा रेनफॉल हुंदी है मानसून दे विच कंपैरिजन टू अदर ईयर्स, अते जद अगर एल नीनो इफेक्ट आंदा ता इंडिया दे विच रेनफॉल की हुंदी है घट हुंदी है। केड़ी लैंग्वेज है, बिल्कुल गीत दा आंसर बिल्कुल ठीक है जी, गीत ने सही आंसर कीता है, स्पैनिश लैंग्वेज दे वर्ड ने, एदा मतलब की हुंदा है एल नीनो दा मतलब हुंदा है लिटल बॉय, ते ला नीना दा मतलब हुंदा है लिटल गर्ल, ए भी याद रखियो, एल नीनो ते ला नीना, ए इफेक्ट की हुंदा मैं तुहानू एक समझा दा ना, ज्योग्राफी दा अच्छा कंसेप्ट है, थोड़ा जिहा 1 मिनट दा टाइम दिओ, 1 मिनट च ही समझा दांगे। देखो जी जदों की हुंदा है इधरली साइड ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, सम टाइम की हुंदा है जो साउथ पेरू रीजन एस नॉर्थ अमेरिका वाली साइड, ठीक है, साउथ अमेरिका वाली साइड, ए केडी साइड है जी, ए हैगी अपनी इधरली जापान वाली साइड, जदों इधर की हुंदा है इस साइड जो प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाता है, किस साइड, साउथ अमेरिका वाली साइड, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है ता हवामा इधरली साइड चलन लग जाते हैं, बट अगर इधर लो प्रेशर क्रिएट होता है ऑस्ट्रेलिया वाली साइड ता हवामा इधर नो चल दिया ने, इस केस च क्रिएट होता है ला नीना, अगर इधर ज्यादा प्रेशर, इधर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ता जो बारिश इधर ज्यादा होती है इस केस नो अपा ला नीना कहने हैं, अगर प्रेशर इधर ज्यादा क्रिएट, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है ता उस केस नो एल नीनो कहा जाता है, बिल्कुल जी बिल्कुल, एल नीनो मीन्स लिटल बॉय और ला नीना मीन्स लिटल गर्ल। चलो जी ये मतलब दसो, लो एयर प्रेशर इन द ईस्टर्न पैसिफिक, अगर पैसिफिक ओशन बारे सारे नु पता है, अगर ईस्टर्न पैसिफिक वाल अगर लो प्रेशर क्रिएट हो जाए ता केड़ा फिनोमिना होगा, ला नीना होगा या एल नीनो होगा, ये आंसर दस दो बस, अगर तुसी ये आंसर करता मैं समझ लूंगा बिल्कुल ही तुसी राइट हो। देखो जी पैसिफिक ओशियन दे ईस्टर्न साइड वाल यानी के साउथ अमेरिका दी साइड वाल अगर लो प्रेशर क्रिएट होगा ता हमेशा की आऊगी एल नीनो, डी ऑप्शन इहदा राइट आंसर है, ठीक है डी, वेरी गुड, जिन्होंने डी किया वो बिल्कुल ही राइट ने। चलो जी ओके क्वेश्चन बहुत हो गए, हुन आ गई गल पॉलिटी दी वारी, पॉलिटी दे आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स, नहीं जी नहीं, मुनीश महाजन सतविंदर कौर ओदा आंसर डी आऊगा, गीत गिरधर दा बिल्कुल राइट है, नहीं जी नहीं, अगर ईस्टर्न साइड वाल लो प्रेशर क्रिएट हुंदा ओदी गल हो रही सी, पैसिफिक ओशियन दे ईस्टर्न साइड, अगर वेस्टर्न साइड होगा ऑस्ट्रेलिया वाली साइड होगा ता ला नीना आंदी है, अगर ईस्टर्न साइड हुंदा पेरू रीजन दे वाल हुंदा ता एल नीनो आंदी है, ठीक है वेरी गुड एल नीनो। चलो जी हुण कमेंट ना चढ़ी लग जानी चाहिए, कमेंट रुकने नहीं चाहिए, तुहाडा फेवरेट पोर्शन आ गया, दसो जी फंडामेंटल राइट्स सारे नु पता है, फंडामेंटल राइट आपा कित्थों लेने, केड़े देश तो बोरो किते ने, यूएसए तो। अच्छा जी केड़ा आर्टिकल सस्पेंड नहीं हुंदा बेशक चाहे एमरजेंसी लग जाए, हैं
ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਹੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਜੇ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅੱਛਾ ਦੋ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 20 आर्टिकल 20 भी सस्पेंड नहीं होता वेरी गुड आर्टिकल 20 एंड 21 वेरी गुड आंसर है डी किदा किदा आंसर है सुप्रीत यश मनकौर सतविंदर शिखा प्रीति यश सिमर रजिंदर जीत वेरी गुड अच्छा राइट टू स्पीच केड़े आर्टिकल दे विच आंदा है राइट टू रिलीजन राइट टू इक्वालिटी ठीक है ए केड़े केड़े आर्टिकल दे विच आंदे ने राइट टू स्पीच आंदा जी आर्टिकल 19 रिलीजन किदे विच आंदा जी 25 तो 28 दे विच इक्वालिटी 14 तो 18 दे विच आंदे ने चलो जी एदा आंसर करो कमेंट करके बहुत इजी क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच 10 फंडामेंटल ड्यूटीज सी पर एक अमेंडमेंट करके एक 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कीती गई वो अमेंडमेंट हैगी सी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई सी ठीक है 2002 दे विच 11th फंडामेंटल ड्यूटी ਉਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਏ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਆਇਆ ਜੀਤ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਯਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਗੀਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਰਥ ਏ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਫੋਰਥ ਏ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅੱਛਾ ਜੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਓਰੀਜਨਲੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ 42nd ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ USSR ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਪ ਟੂ 14th ईयर वेरी गुड गीत जी वेरी गुड ठीक है जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी अपन ने ऐड की थी वेरी गुड वेरी गुड स्वर्ण सिंह कमेटी सुखप्रीत कौर वेरी गुड यश अरोड़ा सतविंदर कौर विर्क जीत मन कौर वेरी गुड यार ये सारे स्टूडेंट ना जो बहुत अच्छे चल रहे हैं डेफिनेटली आने वाले एग्जाम दे विच ना उन्हें तो बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है मैं गारंटी कह देना अच्छा जी फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटीज नू केड़ा आर्टिकल बिलोंग करता है अच्छा एक बार ना सेशन नू सारे रिफ्रेश कर लियो थोड़ा जा रिफ्रेश कर लियो सेशन नू एक बार जिन्ना नू वीडियो नहीं आ रही बिल्कुल जी बिल्कुल सुप्रीत कौर दा आंसर सब तो पहला आया है सब तो राइट आंसर 51A
अंजली अंजू जी का भी आंसर है वेरी गुड 51 है। सिमर मेहरा का आंसर भी आया बी बिल्कुल राइट। जिन्होंने बी आंसर किया है कुलदीप का आंसर आया बी वेरी गुड। प्रीति बटेजा बी आंसर वेरी गुड। यश अरोड़ा वेरी गुड। चलो जी नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी सुजेस्ट किने कीती सी आपां कर लिया। नेक्स्ट राइट टू रिलीजियस फ्रीडम केड़े आर्टिकल दे विच आंदे ने। बिल्कुल आर्टिकल 25 तो 28 आपां ऑलरेडी कर लिया आर्टिकल 25 तो 28। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बिल्कुल जी बिल्कुल अंजलि अंजू जीत गिरधर बिल्कुल राइट ने जिन्होंने 14 आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल 15 दसो जी आर्टिकल 15 की कहता है स्टेट कांट बी डिस्क्रिमिनेट एनीबॉडी। ठीक है स्टेट कांट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस कास्ट रिलीजन सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन चीजा ते स्टेट किसी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ये आर्टिकल 15 कहता है। ठीक है आर्टिकल 14 आपां नूं पता लग गया इक्वलिटी बिफोर लॉ ते इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 17 किनूं डील करदा अनटचेबिलिटी नूं। 18 डील करदा टाइटल्स नूं जिवें पहला बहादुर शेर बहादुर वाले टाइटल हुंदे सी। अच्छा जी अबॉलिश अनटचेबिलिटी वेरी गुड ये ऑलरेडी हो गया आर्टिकल केड़ा आर्टिकल 17। अच्छा जी हुन दसो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। बिल्कुल देखो जी राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन पहला मैं तुहानू दस देना ये आर्टिकल किदे विच आंदे ने 23-24 दे विच आंदे ने। ठीक है ते तुसी कमेंट करके भी दसोगे कि चाइल्ड लेबर बैन है केड़े आर्टिकल दे अकॉर्डिंग। हां जी हां बिल्कुल मिलिट्री टाइटल तो एक्सेप्ट वेरी गुड। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर freedom as to payment of taxes for the promotion of any particular religion protection of interest of minorities ja equality before law keda correct hai ji bilkul bilkul a answer prohibition of traffic in human beings and bonded labor ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਬੌਂਡਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅੱਛਾ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈਜ਼ਾਰਡੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿਮਰ ਮਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। अच्छा जी फंडामेंटल ड्यूटीज आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके केड़ी अमेंडमेंट दे तहत 42nd। चलो ये क्वेश्चन आप चेंज कर लेने राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी पहला फंडामेंटल राइट्स हुंदा सी पर हुन आर्टिकल 300 ए दे विच पाता उन्हूं। ठीक है हटा के फंडामेंटल राइट नहीं है वो केड़ी अमेंडमेंट दे दौरान हटाया गया सी।
अंजली अंजू जी ओके 24 कह रहे हैं, वेरी गुड। 42nd अमेंडमेंट, एदा आंसर बिल्कुल ठीक है, बट तुसी मेनू क्वेश्चन की कहना, राइट टू प्रॉपर्टी, आपा गल करांगे राइट टू प्रॉपर्टी दी। ए क्वेश्चन ठीक है, एदा आंसर 42nd दा आंसर है, बट राइट टू प्रॉपर्टी कदों हटाया गया सी ये दसना तुसी, केड़ी अमेंडमेंट दे दौरान। अंजली अंजू दा आंसर बिल्कुल ठीक है, सब तो पहला है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 दे विच। जीत यश शहनाज सतविंदर कौर वेरी गुड, गुरप्रीत सिंह, इन्हां सब दा आंसर राइट है जी। अच्छा जी, नॉन कांग्रेस फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन सन, फर्स्ट प्राइम नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कौन सन, ये भी कमेंट करके दसो जिन्हों पता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, इन्हें फंडामेंटल राइट्स तो हटा के लीगल राइट में था। अच्छा मैं दसो, राइट टू वोट, वोट पाउन दा अधिकार फंडामेंटल राइट है या नहीं है। राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल राइट और नॉट। बिल्कुल बिल्कुल, मुरारजी देसाई, मुरारजी देसाई ओदा बिल्कुल राइट आंसर है जी, जो फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर रहे ने। बिल्कुल जी, राइट टू वोट लीगल राइट है ना कि फंडामेंटल राइट, बिल्कुल लीगल राइट है। यश ने बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। अगला आपा आगे इकोनॉमी ते, ठीक है, इकोनॉमी दे कुछ क्वेश्चन करांगे। रेशो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट ए कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद आरबीआई, तुहानू पता है आरबीआई दे विच हरेक बैंक नू कुछ ना कुछ अमाउंट रखना पैंदा है, उस रेशो नू की कहने आपा। बिल्कुल गीत दा आंसर सब तो पहला सही है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशो। जेड़े कमेंट करके ना दोबारा चक लेंदे ने, डिलीट कर देंदे ने, दिख जांदा उन्हां दा कमेंट मैनूं। गुरप्रीत सिंह वेरी गुड वेरी गुड। सी आंसर वाले बिल्कुल ठीक ने जी, सीआरआर हुंदा है कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। स्टैट्यूट लिक्विडिटी ए किन्ने परसेंट हुंदा, देखो 3-4% दे अप्रोक्स हुंदा है, चेंज हुंदा रहंदा है। ते जे गल करदे आ स्टैट्यूट लिक्विडिटी रेशो SLR कहने नू, एह बैंक नू लिक्विड फॉर्म दे विच रखना हुंदा डे टू डे एक्टिविटीज नू परफॉर्म करन दे दी। इनू गोल्ड दी फॉर्म च भी रख सकते हैं, ठीक है, ते कैश दी फॉर्म च भी। अच्छा डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट केड़े केड़े हुंदे आ जी, डिमांड डिपॉजिट दा आंसर दसो। डिमांड डिपॉजिट दो तरह के डिपॉजिट होंगे ने, एक होंगे टाइम डिपॉजिट जेड़े कि होंगे जिन्हों आप फिक्स कर देने, लाइक आप FD करते हैं ना, उन्होंने फिक्स कहने हैं। जेड़े होंगे डिमांड डिपॉजिट, मतलब कदों भी आप डिमांड करके उन्होंने बैंक तो वापिस ले सकते हैं, ठीक है, उन्होंने कहने हैं डिमांड डिपॉजिट। हाँ जी हाँ प्रीति जी बिल्कुल राइट, बैंक नू आपा पैसे जमा कराए ने, कदों मर्जी मंगन चले जाइए तां उहनू देने पैणगे, उहदी जिम्मेवारी बनदी आ। हां जी SLR कैश दी फॉर्म च भी रख सकदा, गोल्ड दी फॉर्म च भी, जां फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी फॉर्म च भी बैंक रख सकदा। डिमांड डिपॉजिट केड़े होंदे आ जी, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट भी हो सकदे आ, करंट अकाउंट डिपॉजिट भी होंदे आ, इन्हां नूं आपां की कहने आ डिमांड डिपॉजिट। ऑल दियां
फिक्स डिपॉजिट कोई डिमांड डिपॉजिट नहीं होंगे, फिक्स डिपॉजिट कोई भी डिमांड डिपॉजिट नहीं होंगे। जीत का आंसर गलत हो गया, तो जली जीत ने मिंट मारिया डिलीट मारन नू। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते पैसा पैसा क्यों, पैसा पैसा करती है पैसे पे क्यों मरती है। चलो जी दसो हूं नोट छापन का अधिकार किनू है, हु हैज द राइट टू इशू नोट। बिल्कुल अंजलि अंजू जी, जो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट है और करंट अकाउंट है, बिल्कुल। एवं रुसिया ना कर मेरी हीरिए कि तेरे बाजू कोई भी नहीं मेरा, एवं यार नाराज ना होया कर जीत को। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जो करंसी नोट इशू करता है कौन करता है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कदों बनाया गया सी, केड़े एक्ट दे दौरान, दसो कमेंट करके फर्स्ट। ते आरबीआई दे गवर्नर कौन ने, शक्तिकांत दास। अच्छा जी तुसी मैनू आए दसो एक रुपए दा नोट या फिर क्वाइन ओ कौन इशू करता है, क्वाइन इशू या एक रुपए दा नोट इशू कौन करता है, वो भी आरबीआई करता है या कोई होर डिपार्टमेंट करता है। बिल्कुल 1934 च आया सी, 35 च लागू करता सी। बिल्कुल बिल्कुल, यश ने सब तो पहला दसे राइट। गवर्नमेंट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री अपनी, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री कर दी है। बिल्कुल गीत का आंसर बिल्कुल ठीक है जी, नेशनलाइज इन 1949, वेरी गुड। अच्छा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कदों होया सी, 1949 दे विच। अच्छा एलपीजी रिफॉर्म्स कदों आए सी, एलपीजी रिफॉर्म दे टाइम, ठीक है। इंडिया दे फाइनेंस मिनिस्टर कौन सन, एलपीजी रिफॉर्म्स, एलपीजी दी फुल फॉर्म दस दिए फिर, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ते ग्लोबलाइजेशन। बिल्कुल जी बिल्कुल, गीत का आंसर ठीक है मुनीश जी, 1991 दे विच आए सी एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है। ते 49 दे विच की कीते गए सी, 14 बैंकां नूं नेशनलाइज किया गया सी, वेरी गुड। उस टाइम ते फाइनेंस मिनिस्टर सी मनमोहन सिंह, ठीक है, याद रखियो मनमोहन सिंह, वेरी गुड। गीत का आंसर आया सब तो पहला। अच्छा जी दो तरह की मनी होंदी है, नैरो मनी ते ब्रॉड मनी, इन्हां दोहां दे विच डिफरेंस हुंदा है। केड़ी मनी नूं नैरो मनी कहा जांदा है, इहदे विचों कमेंट करके दसो केड़ी मनी नूं नैरो मनी सब तो ज्यादा नैरो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नैरो मेजर ऑफ द मनी सप्लाई, सब तो नैरो मनी केड़ी मनी है। देखो नैरो मनी का मतलब की है, जो लिक्विड फॉर्म दे विच अवेलेबल होवे, जिन्नी ज्यादा लिक्विड है उन्नी ही नैरो है। हां जी हां पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे, कोई इशू नहीं है, और दसो ठीक है। हाँ जी हाँ फाइनेंस मिनिस्टर पूछा सी, तुसी की दस्ता प्रधानमंत्री,
बिल्कुल जी बिल्कुल। M1 ठीक है, M1 सब तो मोस्ट लिक्विड है, M1 की है सब तो नैरो मनी है, तो M1 M2 नैरो जांदा है, M3 M4 ब्रॉड मनी दे विच आंदे ने, लेस लिक्विड। M1 जिदा आंसर सी है बिल्कुल, गीत दा, शिखा शर्मा, सिमर मेहरा, अंजलि अंजू, बीमा देवी, जीत, शहनाज, सुप्रीत, प्रीत, यश, वेरी गुड, इन्हां सब दे आंसर राइट ने। अच्छा जी हुण आ गई साइंस दी वारी, गल सुन तक धीरे साडी वारी आउण दे, असी बन जाना हीरे। चलो साइंस दा देखदे आ किदी किदी किन्नी फुल तैयारी है। साउंड दी स्पीड, साउंड ऑफ स्पीड किन्नी हुंदी है दसो जी कमेंट करके। स्पीड ऑफ साउंड, वेरी गुड। यश दा आंसर सब तो पहला है, देखो यश दा आंसर सब तो पहला राइट है। अच्छा तुसी ना कमेंट करके मैनू दसो साउंड सॉलिड दे विच ज्यादा स्पीड नाल ट्रैवल करदा है जां गैस दे विच ज्यादा स्पीड नाल ट्रैवल करदा है, फिर मैं मनूंगा साइंस दे कंसेप्ट क्लियर ने। बिल्कुल जिन्ना ने बी आंसर कीता 332 राइट है। नहीं जी आपा टेंपरेचर, अंजलि अंजू जी 332 मीटर पर सेकंड है, ठीक है नॉर्मल टेंपरेचर पे। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਊਂਡ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਟ ਸਾਊਂਡ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੋਲਿਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਾਊਂਡ ਦੀ 332 ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੇਸ ਕਰ ਦਈਏ ਵਧਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਊਂਡ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਟੀਲ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਟੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਲਿਕੁਇਡ ਔਰ ਗੈਸ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ, ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਤੀਸਰੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦੋ ਆਂਸਰ ਨੇ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦੋ ਆਂਸਰ ਰਾਈਟ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ ਪੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਨੇ ਕਿ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ
ਬਿਲਕੁਲ ਬੀ ਤੇ ਡੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਿਮਿਲਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬੀ ਤੇ ਡੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਨੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਗਰੰਟਡ ਆਨਸਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਦਿਓਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਡੀ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਬੀ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 100%, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਦੇਣਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਕਿਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਕਰੋ ਆਉਂਦੇ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੀਤ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡੈਸੀਵਲ, ਯਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਡੈਸੀਵਲ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਡੈਸੀਵਲ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਡੈਸੀਵਲ ਸੀ ਆਨਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੀਤ ਗਿਰਦਰ ਫੜ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਨੂੰ, ਅਸਲੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਲ ਆਫ ਦੀਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੀ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਡੀ ਆਨਸਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜੋ ਕਿ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਊਂਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਲਾਊਡਨੈਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਬੈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਡੈਸੀਬਲ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਯੂਨਿਟ ਨੇ। ਆਲ ਆਫ ਦ ਅਬਵ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਵਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵੇਵਸ ਆਰ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ। ਦੇਖੋ ਵੇਵਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਵੇਵਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ, ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਵੇਵਸ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵਸ। ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਵੇਵਸ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਵੇਵਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਵੇਵਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੈਵਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੈਵਲ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੇ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਤੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਵੇਵਸ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਸ਼, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵਸ। ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਵੇਵ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਫੇਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਲੈਟੀਟਿਊਡ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵਸ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਦੋ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਵਰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੋਵਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਨੋਵਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਸੀ ਨੋਵਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਐਲਫਰੈਡ ਨੋਵਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਫਸਟ ਨੋਵਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀਤ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਸੀਵੀ ਰਮਨ ਸੀਵੀ ਰਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀਵੀ ਰਮਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਮਨ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਖੋਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਡੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥਰਡ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪੀਸ ਦੇ ਲਈ ਫਸਟ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਜੀਤ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਉਂ ਜੀਤ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਅੱਜ ਚਿਬੜਾਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ 1901 ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ ਸਾਇੰਸ ਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਯਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਿਮਰ ਮਹਿਰਾ ਗੀਤ ਗਿਰਧਰ ਬੀਮਾ ਦੇਵੀ ਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਮਨ ਇਫੈਕਟ ਸਾਇੰਸ ਡੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ 6 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੌਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਰਵੇਜ਼ੀਅਨ ਅਕੈਡਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚਿਪੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਹਨੂੰ ਲੜ ਪਏ ਆ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਅੰਦਰ ਦੇ ਚਿਪੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਪਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਚ ਆਣਾ ਵੀ ਚਿਬੜ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚਿਬੜ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੈਲਾਸ਼ ਸੱਤਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜੀ ਐਨਜੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਸਫ ਮਲਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਾਸ਼ ਸੱਤਿਆਰਥੀ ਜੀ ਦੀ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2022 ਦੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਜੋ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਵੈਂਤੇ ਪਾਵੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਜੈਂਟਿਸਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਨੋਮਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਜੋ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਨੋਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜਨਰੇਟ
कर सके। स्वेंते पावो याद रखियो किने केड़ा नोबेल प्राइज मिले इन्हां नूं मेडिसिन दा। चलो जी इधर ध्यान दियो थोड़ा जा, पांच छे नोबेल प्राइज ने याद कर लोगे ना तो इंपोर्टेंट रहूगा। वेरी गुड, स्वेंते पावो नूं ते फिजिक्स दे विच, फिजिक्स दे विच जो नोबेल प्राइज मिले जी वह किनू मिले है? जो फिजिक्स दे विच नोबेल प्राइज मिले है ਉਹ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਨੋਵਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੋਸਥਲੂਮੋਸਲੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨੋਵਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੱਸੋ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ, ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਈ ਐਮ 100% ਸ਼ੋਰ। शिका गैर ने अवंते पावो के फादर को मिला है जिनका नाम है सवंतो पावो। ठीक है ठीक है, देखो जी तो उन कमेंट डिलीट करूंगा है, इन्हें यस लिखा ध्यान नाल देख लो, सारे जीत ने यस लिखा, उन्हें डिलीट मारूंगा, मिंट मारूंगा। पलटी मार जीत, पलटी मार। देखो सिद्धि जी गल है, मरण उपरांत नहीं दिता जा सकता, ठीक है, ये कोई भारत रत्न नहीं है, भारत रत्न दिता जाऊगा पर नोबल प्राइज पोस्थोनोमसली नहीं दिता जा सकता, जेड़े बंदे जिंदा ने उन्हां नूं ही दिता जा सकता है, ते मैक्सिमम ए मैक्सिमम तीन बंदियां नूं दिता जा सकता है। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੱਲ ਫਿਜਿਕਸ, ਫਿਜਿਕਸ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਐਲੇਨ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਤੇ ਜੌਨ ਕਲੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇ ਐਂਟੋਨ ਜ਼ੈਲਿੰਜ਼ਰ, ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲੇਨ ਐਸਪੈਕਟ, ਜੌਨ ਕਲੋਜ਼ਰ ਐਂਡ ਐਂਟੋਨ ਜ਼ੈਲਿੰਜ਼ਰ। अच्छा किसी नूं कोई ट्रिक याद आ रही है ना, ट्रिक दसो इहदी, क्योंकि तीन नाम ने आपां ट्रिक नाल याद करांगे। देखो जी जॉन गया किसे कुड़ी नूं प्रपोज मारन, जॉन ने एक्सपेक्ट किया, जानी कि एक्सपेक्ट किया, ठीक है, की एक्सपेक्ट किया कि प्रपोज अपना एक्सेप्ट हो जाना है, पर लास्ट ते हो जलील होके निकलिया जलिंजर, इतो याद कर लियो। ते फिजिक्स वाला नोबल प्राइज सिर्फ प्रैक्टिकल गल है, नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, फिजिक्स की है नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, ये नेचुरल जी गल है, प्रपोज तो बहुत मारन जाते हैं पर जलील होके वापस आते हैं, ठीक है, एवं याद आप करांगे फिजिक्स वाला नोबल प्राइज। अगे गल करते हैं कैमिस्ट्री की, केमिस्ट्री दे विच बैरी शार्पलेस मॉर्टन मेल्डेड मेल्डल ते कैरोलिना बर्टोजी, जीत नूं ट्रक, जीत कहिंदा ट्रिक बहुत पसंद आई है, जीत नूं तां इह ट्रिक पसंद आ रही सी, खतरनाक ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक खतरनाक है, इंजीनियर की ट्रिक होती है, तुहानू पता नहीं है इंजीनियर किस मुकाम तक जा सकते हैं। चलो अच्छा जी केमिस्ट्री एक स्टोरी, आप जोन वाली स्टोरी है फिजिक्स दे विच, चलो जी केमिस्ट्री की गल करते हैं, आप केमिस्ट्री से भी कोई ना कोई ट्रिक बनाने की कोशिश करांगे, देखते हैं केमिस्ट्री का की बनता है। हाँ जॉन जिंजर वाली ट्रिक, ठीक है जी। अच्छा गल करते हैं केमिस्ट्री दी, बैरी शार्पलेस, ठीक है, मॉर्टन मेल्डेड कैरियन बैटोजी,
कैरोलिन, कैरोलिन बाटोजी। देखो केमिस्ट्री दी ट्रिक है, कैरोलिन ने की किया जी, कैरोलिन ने लाती मोर्टेन, मोर्टेन कादे वास्ते मच्छरां नू बैरियां नू भजाण वास्ते, पर बैरी फिर भी भजे नहीं हैगे, याद रख लियो कैरोलिन ने लगाई मोर्टेन। ठीक है, कैरोलिन ने मोर्टेन लगाती, मोर्टेन जे विच हुंदा लिक्विड, केमिस्ट्री नाल लिक्विड तो याद रख लियो, बिल्कुल कैरोलिन ने लगाई मोर्टेन पर मच्छर बैरी फिर भी भजे नहीं हैगे, आपां एवें याद कर लांगे। ठीक है जी, ते गल करदे आ लिटरेचर दी, लिटरेचर दे विच मिलिया एनी एरनॉक्स, एनी ने लिया जी, जिवें एनी बेसेंट सीगे ओवें एनी एरनॉक्स ने। राइट है, चलो जी लिटरेचर दे विच भी हो गया, हुण अपना फिजिक्स दे विच भी, केमिस्ट्री दे फिजिक्स वाली ट्रिक घेंट बन गई सी ना जोन वाली स्टोरी दी, आ मोर्टिन ते मच्छर वाली केमिस्ट्री दी याद कर लियो, जिथे तीन तीन नाम ने उथे याद ने, ए ता अपना याद ही करता सी अवंते पावो दे फादर कौन ने, सवंते पावो, बिल्कुल की दी है मेडिसिन दी। हुण गल करदे आ अपने कोल दो रह गए सिर्फ, दो केड़े रह गए, एक ता पीस रह गया ते एक रह गया अपने कोल इकोनॉमिक्स। बिल्कुल जी, जॉन जिंजर वाली ट्रिक कर लियो, वेरी गुड वेरी गुड सिमर। शार्प मैड मॉडल कार केमिस्ट्री बनाई, ओ वेरी गुड, शिका शर्मा ने क्या कहंदे शार्प मॉडल सी के ओदे नाल केमिस्ट्री कार दे विच बनाई, ए भी याद कर सकदे हो। बाकी मैं पता पुठियां ट्रिका हमेशा जल्दी याद हुंदियां ने ते हमेशा परमानेंट याद रहंदियां ने। अच्छा पीस, पीस वाला तुसी वैसे ही याद कर लियो, पीस वाला तुसी भुलोगे नहीं, तुहानू एक चीज दसदा, रशिया ते यूक्रेन दा वॉर चलिया है। ठीक है, रशिया ते यूक्रेन दे विच बहुत सारे ह्यूमन राइट्स दा हनन होया, ते जेड़ा किधर आ गया है पीस प्राइज मिलिया, यह ने जी एक ह्यूमन राइट्स ने एलिस विलाटस्टी, विलाटस्की, ये भी याद रख लियो एलिस नू मिले, ते दूसरा दो फाउंडेशन ने, एक ता के मेमोरियल फाउंडेशन जो हैगी है रशियन फाउंडेशन है, के सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, ये यूक्रेन दी फाउंडेशन है, इन्हां तीन बंदियां नू मिलके मिले पीस वाला, तो आई थिंक तुसी नहीं भूलोगे। हां जी हां, पीस पीस दी जरूरत हैगी है, उत्थे देखो जिथे लड़ाई हुंदी है पीस दी जरूरत उत्थे ही है, शांत उत्थे ही करना पैंदा आपां नूं। पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करवा दियो, ठीक है जी, मैं पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करा दांगे, टेंशन ना लिया करो, पीडीएफ तुहानूं मिलिया करूगी डेफिनेटली। टेलीग्राम वाला ग्रुप अपना गिल्स मेंटर वाला तुसी कर लो सब्सक्राइब, सारे नूं मिल जाओ उत्थे। अच्छा जी इकोनॉमिक्स ली, इकोनॉमिक्स ली बिल्कुल यही चीज याद रखियो, जो बेन सीगा, बेन ने की किता डगलस डायमंड ते फिलिप, एदी ट्रिक याद कर लो, एदी ट्रिक की बनाई है, बिल्कुल जी फिलिप डायमंड बैन, ये भी याद कर सकते हैं कि बैन ने की किया फिलिप्स कंपनी का बल्ब लेके आया तो डायमंड वांगू जगया, इकोनॉमिकली वह की सी बहुत किफायती, इकोनॉमिकली बहुत किफायती सी, ता करके फिलिप्स कंपनी का बल्ब कौन लेके आया, बैन लेके आया, बैन 10 वाला बैन कर लियो। अच्छा जी अपने जेड़े बैच चल रहे हैं, पीएस टेट दा बैच चल रहे हैं, जेड़े भी अध्यापक गण बनन दी तैयारी कर रहे ने, खिच दो तैयारी, लवे लग गया हुन समा, दस दो ते नाली आपा, बिल्कुल एदे विच ना अगर तुसी स्पेशली डिस्काउंट लेना है 10, अगर
1599 रुपए का आऊगा जी। ठीक है, जिन्होंने ऐप देखो कई ने की है ऐप तुसी लो कर दे, बहुतों को पता नहीं होंदा कि किस तरीके नाल ऐप करनी है। अपनी ऐप थोनू यूज करनी सिखाने हैं। ਇਹ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਮੀ ਔਖਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਐਪ ਬੰਦੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ ਜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਰਸ ਪਰਚੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪੀਐਸਟੇਟ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਗਈ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਪੀਐਸਟੇਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰਚ, ਪੀਐਸਟੇਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਪੀਐਸਟੇਟ ਦੇ ਬੈਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਯੂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੀਐਸਟੇਟ ਦੇ ਬੈਚ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸਲਾਈਡ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਹੈ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਊਗਾ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਿਊ ਔਰ ਕੂਪਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਭਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਕੀ ਭਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਖੋ ਵੈਲਕਮ ਵਾਲਾ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਰੇ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਲਿਖ ਦਿਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਕਜ 10 ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 20% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਈ ਪੀਐਸਟੇਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। अच्छा जी, देखो अपा उरे पाने हैं कूपन कोड अपना किमें अप्लाई होंदा देखो, बटन उत्ते क्लिक करो, बटन ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ।